हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल बी टू इनफर्मेशन। देख एसएससी तरफ जहाँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बोर्ड रू देख 20 तारीख 8 मार्च 2022 गोटे नोटिस आसी है जहाँ कि देख स्टेनोग्राफर है ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 2022 एग्जाम पर है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी आउ ग्रेड डी है गोटे बहुत भल पोस्ट है। देख फर्स्ट आम कौन तार आप्लिकेसन डेट के लास्ट डेट कौन ता विषय जानवा है। देख डेट अफ सबमिशन अफ अनलाइन आप्लिकेसन मीनस ऑनलाइन एप्लीकेशन पाई देखो डेट दिया 28 तारीख 8 मार्च 2022 ठार देख 5 तारीख 9 मार्च 2022 है सेप्टेम्बर 5 रे लास्ट डेट है आउ 20 अगस्त 2022 स्टार्टिंग डेट आउ लास्ट डेट है 5 तारीख 9 मार्च है सेप्टेम्बर 5 रे लास्ट डेट देन लास्ट इटा तो सरला लास्ट डेट एते देन चालाण पाई लास्ट डेट है सेप्टेम्बर 5 है आउ गोटे मस सेप्टेम्बर 5 तारीख लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट 6 तारीख लास्ट डेट है सेप्टेम्बर आउ चालाण थोड़े जदि करबो हले बैंक ठने जाइगुटा 6 तारीख है सेप्टेम्बर 2022 लास्ट डेट देन कंप्यूटर शेड्यूल देन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है टेंटेटिव दिया जाइछि है नवेम्बर 22 रे होई पारे नवेम्बर जे पुणसी हेले मु जदि यार जदि एकटा एग्जाम डेट आसिले मु नोटिस दे देबे है देन देख एज लिमिट है स्टेनोग्राफर सी पाई देख ग्रेड सी पाई 18 रु 30 बयस है 1 तारीख 1 मार्च 2022 अनुसार है 18 रु 22 30 जाकर देन स्टेनोग्राफर डी पाई 18 रु 27 है डेट एज कैलकुलेशन हम 1 तारीख 1 मार्च 2022 है 1 तारीख जनवरी मास 2022 ठानू है देन देख इटा तो एस टी एस सी 5 वर्ष रिलैक्सेसन देन ओ बी सी लगे 3 इयर पीडब्ल्यू डी पाई अनरिजर्व 10 इयर पीडब्ल्यू डी ओ बी सी लगे 13 एस सी एस टी पाई 15 है देन देख नेशनालिटी किए किए इलिजिबल होते कैंडिडेट मोस्ट भी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया किंबा नेपाल किंबा भूटान एथरु तुम्हें सिटीजन होगा दरकार है देन देख एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एथरे क्वालिफिकेशन कौन है देख तुम्हें मोस्ट भी पास्ट 12 है तार मैंने जदि तुम एखे +3 पढ़ु फर्स्ट इयर सेकेंड इयर देन तुम अप्लाई कर पार्ब है स्टेनोग्राफर लगे 12 पास स्टूडेंट देन है आप्लिकेसन फी तो तुम जान एस टी एस सी मैं एस टी एस सी मान लगे और फिमेल मानी पेमेंट 0 है तार मैंने फी दरकार नहीं देन ओबादे जेनेल टा है जेनेल ओ बी सी देन है सेंटर मुझे ईस्टर्न रिजन रुचे ओडार देख जहाँ कि ईस्टर्न रिजन रे आसी थाए से देख अच्छे भुवनेश्वर कटक संबलपुर है भुवनेश्वर कटक संबलपुर पड़ब है तुम एग्जाम सिटी देन है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्यों क्यों एग्जाम हम जनरल इंटेलिजेंट एंड रिजनिंग है मीन से रिजनिंग पड़ब है 50 पड़ब 50 मार्क है देन जनरल अवेयरनेस जीके और जीएस पढ़ा 50 50 है गोटे गोटे क्वेश्चन को गोटे मार्क है देन इंग्लीश आउ कम्प्रिहेनसन पढ़वा 100 मार्क है टोटाल है देख टोटाल है 2 घंटा है रिजनिंग देव देन जीके और जीएस देन इंग्लीश देख नेगेटिव मार्क है 0.25 मीन 4 मार्क कटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देन देख सिलेबस दीजिए या तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं जाओ जनरल अवेयरनेस इंग्लीश देन देख तुम स्किल टेस्ट है ला स्टेनोग्राफर पर गोटे तुम स्किल टेस्ट हुए है देख स्टेनोग्राफर डी पाई इंग्लीश टाइम ड्यूरेशन इन 50 मिनट दिया जाएगा इंग्लीश देन हिंदी 65 मिनिट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पाई 40 मिनिट सी पाई 55 है देख स्किल टेस्ट पर तुमको शॉर्ट हैंड जानवा दरकार है शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफर मीन्स कौन देख वृत्तिगत भाव शॉर्ट हैंड लेखि टाइप कर पार्थिवा व्यक्ति है जहाँ को स्टेनोग्राफर कह जाए जी कि सांकेतिक लेखक लेखिपारे है सांकेतिक लेखक गोटे रुम गोटे ये देख नमूना देख यह शॉर्ट हैंड राइटिंग है टू हिम टा देख एपरी लिखा जाइए देन टू टोल्ड हिम एपरी एपरी है देख
आई वांट मीन्स एपर लेखा यू वांट मीन्स एपर तार मैंने स्किल टेस्ट यहपर तुमको लिखा पड़ो है मन तेगो मीन्स यहपर लिखा पड़ो यहीपर है स्टेनोग्राफर शिखापी समय लगे है से जी स्टेनोग्राफर शिखिं सर्ट हैंड राइटिंग से आपको स्किल टेस्ट तुम इजिली क्वालिफाई करपर है यहपर तुमको सर्ट हैंड जानवा दरकार है स्टेनोग्राफर मीनस यही जदि भिडटी भल लगलापर अपडेट प्लीज यहपर इनफर्मेसन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ बिटू इनफर्मेसन और सब्सक्राइब करूँ जहाद्वारा कि यहपर नोटिफिकेशन और इनफर्मेसन अपडेट तुम्हें जानपर है थैंक यू गाइज़।